सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में चार विधायकों की सदस्यता खत्म हुई थी, जबकि दूसरे कार्यकाल में आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी है। आजम खान के बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के अलावा बीजेपी से विधायक रहे अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस तरह सपा के दो विधायकों की सदस्यता खत्म हुई तो बीजेपी के तीन विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। हालांकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में आजम खान पहले ऐसे सदस्य हैं जहां उन्हें और उनके बेटे को अलग अलग कारणों के चलते सदस्यता गंवानी पड़ी है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता साल 2017 में चुनाव के नामांकन पत्र में फर्जी जन प्रमाण पत्र लगाने के चलते गई थी। वहीं रामपुर सीट से 10वीं बार विधायक बने आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा दी है, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि आजम के पास कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में जाने का विकल्प है और अगर वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है।